हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में बिटमिन का डक्टिलिटी टेस्ट एच पर आईएस 1208 के हिसाब से कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। बिटमिन सैंपल है, ये बिकेट मोल्ड है और ये बेस प्लेट है और ये डिजिटल थर्मामीटर है और ये ग्लिसरीन है और ये हमारा डक्टिलिटी मशीन है। ये इसमें नॉब लगा हुआ है, ग्रीन लाइट जब जलेगी तो इसका मतलब चालू हो गया है। और ऊपर देखिए एक आपका हैंडल लगा हुआ है, ये हैंडल को हम इस साइड में भी कर सकते हैं और इस साइड में, तो इस साइड में करने से ये चालू हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लिसरीन को क्रिकेट मोल्ड में लगा लेंगे। अंदर तक भी लगा लेंगे, इनसाइड में भी लगाएंगे उसको। अभी इसको हम लोग बेस प्लेट में स्क्रू से टाइट कर देंगे। हाथ से टाइट करिए या तो स्क्रू ड्राइवर से भी टाइट कर सकते हैं। बेस प्लेट में और विकेट मोल्ड में इसलिए हम लोग लगाते हैं जिससे कि बिटमिन उसमें चिपके ना। तो अभी ये हमारे तीनों ये तैयार हो गए हैं। अभी हमको क्या करना है, सैंपल लेना है और ये तीनों मोल्ड में इसको डाल लेंगे। टेम्परेचर इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट से 90 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। वैसे तो बिटमिन 90 डिग्री में पिघल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सैंपल को हम थिन फिल्म ओवन टेस्ट इक्विपमेंट में रखेंगे, 5 घंटे के लिए रखेंगे। -163 डिग्री सेंटीग्रेड में 5 घंटे के लिए रखेंगे। पांच घंटा होने वाला है, 5 घंटा हो गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ऑफ कर दिया है, और इसको बाहर निकाल के सभी विकेट मोल में अच्छे से भरेंगे जब तक ये फुल एकदम भर ना जाए। ध्यान रखिएगा निकालते समय ग्लव्स जरूर लगा लिया। अब रूम टेम्परेचर पर 30 से 40 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देते हैं। चलिए
40 मिनट हो गया है। अब इसको हम वाटर बाथ में रख देंगे 27 डिग्री टेम्परेचर पर और 30 मिनट के लिए। अभी 30 मिनट हो गया है, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक चाकू को गर्म करके ऊपर से जो ज़्यादा लगा हुआ है उसको बराबर से काट लेंगे। एकदम सरफेस बराबर हो जाना चाहिए। ये आपका सैंपल तैयार हो गया है। अब इस सैंपल को आप एक एक करके सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड पे 85 से 95 मिनट के अंदर रख देंगे। पचासी से 95 का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 25 मिनट। 1 घंटा 25 से 1 घंटा 35 मिनट तक। तो चलिए ये आपका 1 घंटा 26 मिनट हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद बिकेट्स का इसको ढीला करके इसको बाहर निकाल लेंगे। अब ये साइड आप निकाल लीजिए। और इसको डक्टिलिटी मशीन में जैसे हमने लगाया है आप ऐसे इसको लगा दीजिए। स्विच ऑन कर दिया। ये इसको आप 15 mm पर मिनट के हिसाब से इसको फिक्स कर दीजिए और इसके नॉब को 0 पे जरूर सेट कर दीजिएगा। ये उसका पॉइंट है। तीनों की अलग अलग रीडिंग नोट करेंगे।
तो रीडिंग क्रैश कर गई। इसको जब तक चलने देते हैं जब तक कि वो टूट ना जाए, जब टूटने लगे तो अपना रीडिंग ले लीजिए। पहले ये वाला देख, अब आप तीनों का इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।